सामाजिक क्षेत्र में जनता की भलाई के लिए काम कर रहे सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से एक बार फिर कपड़ा बैंक की शुरुआत की जा रही है। सर्दियों के मौसम में हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड की वजह से खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह परेशानी गरीब तबके के लोगों के लिए और भी ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। ऐसे में सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से इन लोगों को कपड़े बांटे गए जाएंगे। ट्रस्ट इसके लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ प्रदेश भर के लोगों का सहयोग लेता है। संपन्न समाज से जुड़े लोग अपने पुराने कपड़े देखकर किसी का भला कर सकते हैं। सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट के सचिव प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट लंबे समय से गरीब तबके के लोगों के उत्थान के लिए काम कर रहा है। कपड़ा बैंक भी गरीब तबके के समाज के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए एक बड़ी मुहिम है। उन्होंने कहा कि संपन्न समाज के लोग कपड़े दान कर बड़ा उपकार का काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में सुधार के लिए भी काम कर रहा है। गरीब तबके के से जुड़े लोगों को पढ़ाई में भी समर्थन दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट ने जरूरतमंद तबके के पहुंचकर उनकी मदद करने का काम किया। उन्होंने सभी लोगों से भी आगे आकर मदद की अपील की है। प्रोफेसर सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़ा हर कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार शर्मा, सचिव सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट शिमला। जी, आज एक प्रेस वार्ता की मेन यही था कि सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट एक सामाजिक संगठन है, समाज में और शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है, और समाज में जो एक ऐसा वर्ग है, हम उस वर्ग तक पहुँचना चाहते हैं जो अभी कई मायने में जो एक सोशल पैटर्न है उससे काफ़ी दूर है, और उनकी बहुत सारी मजबूरियां भी हैं, बहुत सारी कमियां भी हैं, अभाव भी हैं। उन अभावों को दूर करने की हम कोशिश करते हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर के माध्यम से हो, कोचिंग क्लासेस के माध्यम से हो, ब्लड डोनेशन में बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्लड की कमी रहती है, ब्लड नहीं मिलता है। सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट पूरे शिमला में और हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर भी ब्लड की जरूरत है, हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पर उनकी हेल्प करते हैं। उसके बाद बस्तर बैंक का जो कार्यक्रम है, नितिन जी ने बताया, बहुत बड़ा कार्यक्रम हम पूरे प्रदेश भर में यहाँ पर करते हैं और शिमला में भी करते हैं। करीब पिछले वर्ष 500 परिवारों तक हम पहुँचे, एक परिवार को एक नया कंबल, और जो पुराने वस्त्र हम पूरे शहर से इकट्ठा करते हैं वो उन लोगों तक, उनके घरों तक पहुँचाते हैं। सो दैट सर्दी के मौसम में हमारा एक पैम्पलेट भी हमने बनाया कि आओ इस सर्दी के मौसम में कुछ खुशियाँ बांटें। वो खुशियाँ उन लोगों के लिए जो इस समाज में रहते हैं मगर उनके पास कपड़े नहीं है पहनने को, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, तो कुछ तो ऐसे भी वाक्या निमिलते हैं कि रात को जब हम कहीं पे भी किसी बस्ती में गुजरते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग बिना कपड़ों के बड़ी ठंड में टिटूर रहे होते हैं, तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर जाकर के चुपचाप वहाँ पर जाकर के उनको कंबल उड़ा के अपने आगे चले जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट कर रहा है शिमला में। आप कार्यक्रम को जो समरसता दिवस के ऊपर जो कार्यक्रम हम शिमला में गेटी थिएटर में करने जा रहे हैं, उसमें हम एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, और उस संगोष्ठी में हम उन उत्कृष्ट 5 या 6 विभूतियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने समाज में स्टार्टअप के माध्यम से बिल्कुल जीरो से उठ करके आज समाज में एक अच्छी पहचान बनाई है, और न कि पहचान बनाई है मगर उसके साथ साथ वो करीब कुछ 25-30 लोगों को ऐसे अपने स्टार्टअप के माध्यम से वहाँ पर उनको रोजगार भी दे रहे हैं, उनका परिवार चला रहे हैं। शिक्षा में हमारे ट्रस्ट का अभी तो हम ये कहेंगे क्योंकि हम इंसेप्शन में हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे बींग ए टीचर, अगर मैं कहूँ तो हम ट्रस्ट के माध्यम से उन बच्चों को गाइड करते हैं कि आपको समाज के किस क्षेत्र में जाना चाहिए, आपकी प्रतिभा क्या है, उस प्रतिभा के माध्यम से हम उनको गाइड करते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो हम उन बच्चों की वहाँ पर जाने में और वहाँ पर एडमिशन और वहाँ की सारी जो, अगर मान लो कोई बच्चा उसके लिए फीस नहीं दे पाता है तो उनकी फीस भी हम देते हैं। माननीय नितिन जी ने कहा कि हम वो फीस उस बच्चे को नहीं बताते हैं क्योंकि एक हमारे ट्रस्ट का अपना एक इशू है, और सॉरी एक रूल हमने बनाया। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।